उज्जैन से करीब 30 किलोमीटर दूर हासाखेड़ी और आसपास के गांव के हजारों ग्रामीण एकत्रित हुए और गांव में प्राचीन मंदिरों में पूजा अर्चना कर कावड़ लेकर रवाना हुए। करीब 30 किलोमीटर हाथों में कावड़ कलश और राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर 30 किलोमीटर की दूरी में पड़ने वाले तमाम मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और बाबा महाकाल के मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये जो राष्ट्र ध्वज है ये सबसे सर्वोपरि है, हिंदुस्तान में जी रहे हैं तो राष्ट्र ध्वज तो साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। और ये सब आ रहे हैं फतेहाबाद चंद्रावतीगंज गाँव हासाखेड़ी से, सभी शिव भक्त आ रहे हैं, राष्ट्र ध्वज भी साथ में, अमृत महोत्सव चल रहा है। आप मानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि रहता है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो सर्वोपरि है ही है ना, हम नहीं मानेंगे तो पूरा हिंदुस्तान मानता है, हम भी मानते हैं, हिंदुस्तान भी मानता है। इसलिए हर घर में तिरंगा लहरा, इसलिए आप चलते हैं राष्ट्रीय ध्वज? अभियान चल रहा है ना, हर घर में तिरंगा अभियान। आज हमारी ये कावड़ यात्रा निकलने के बाद कल हर घर तिरंगा अभियान चालू है हमारा। सबसे बड़ी बात तो राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे हैं, क्या राष्ट्रीय ध्वज को मानते हैं और किस प्रकार से सम्मान सब कुछ सीखने को मिलता है राष्ट्रीय ध्वज से? जैसा कि आप हमारे भाई साहब ने पहले बताया, हम सब हासाखेड़ी ग्राम से आए हैं, यहाँ से करीबन 35 किलोमीटर दूर, और हमने मंदिर में भी पूजा करी और साथ ही महाकाल में भी करेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमारे सरपंच साहब के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है, तो इसका कारण क्या है कि हम सभी राष्ट्र के साथ हैं, हम सभी भाईचारे के साथ रहते हैं, तो भगवा ध्वज के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी हमारी पहचान है, हमारी भारतीय नागरिकता की पहचान है, इसीलिए हम भगवा ध्वज के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। और हम सभी को यही दर्शाना चाहते हैं कि हम सब मिलजुल कर एक रहें, क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं और भारत एक अखंड देश है, इसीलिए कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। बोलो भारत माता की जय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।